पर देखिए बिहार में जहरीली शराब कांड में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सियासत भी उसी रफ्तार से काफी तेज हो रही है। सरकार ने शराब कांड में मौत के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि शराब माफिया आरजेडी से जुड़े हुए हैं, सरकार सब पर एक्शन लेगी। जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 37 पहुंच चुकी है और कई की हालत अभी गंभीर है, नाजुक है, कुछ के आंखों की रोशनी भी चली गई है। जहरीली शराब, जबकि बिहार में शराबबंदी कहने को बंद है लेकिन शराब पीने से मरने वालों की संख्या और ये जो खबर है हर साल हर महीने आपको सुनने और देखने को मिलती है। बावजूद इसके सवाल इसलिए उठते हैं कि कैसी शराबबंदी है। विपक्ष को भी इसलिए मौका मिलता है कि शराबबंदी के नाम पर ये चल क्या रहा है, कौन सा खेल।